हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका भोपाल रूना ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज वट सावित्री पूजा है, लोगों को भी पता होगा। और आज बड़ गाछ के पास जाके पूजा होता है। पूजा का क्या क्या विधि है वो मैं आज हम आपको बताते हैं। वट सावित्री पूजा करने से पहले सुबह सवेरे जल्दी उठिए और अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगा लीजिए, नई चूड़ियां पहन लीजिए, साड़ी जो भी है आप वो पहन लीजिए। लाल पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो ये सारी तरीके से आप पहले तैयार हो जाए अच्छी तरह से। 16 श्रृंगार कर लें, 16 नहीं कर सकती हैं तो विशेष जो श्रृंगार होते हैं मेहंदी चूड़ी बिंदी पायल बिछुआ ये सारे श्रृंगार करके आप तैयार हो जाइए। फिर आप किसी वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन कर सकती हैं या फिर गमले में वट वृक्ष की टहनी लगा करके गमले में नर्सरी से पौधा लाकर पूजन कर सकते हैं। महादेव जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं वट सावित्री व्रत की पूरी पूजा विधि आपको करके दिखाऊंगी। घर में पूजा कैसे किया जाता है, कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं, तो सारी सामग्रियों के साथ बिल्कुल आसान साधारण सी पूजा विधि जो कि आप मंदिर में भी कर सकते हैं। मंदिर मतलब कि बाहर वट वृक्ष के पास भी कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। और घर में करने के लिए कौन कौन सी विशेष चीजें आपको जरूर लेनी है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम जहां भी आपको पूजन करना है उस स्थान की शुद्धिकरण कर लीजिए। शुद्धिकरण का मतलब कि गंगा जल और जल मिलाकर आपने रखा ही हुआ है तो आप आम के पल्लव से कुश से खुद के ऊपर भी जल छिड़क लें। जो भी सामग्रियां पूजा में प्रयोग आने वाली हैं उनके ऊपर भी जल का छिड़काव कर लें, क्योंकि देखिए सारी सामग्रियां कैसे हाथों से होके गुजरती हैं, तो थोड़ा सा जल का छिड़काव हो जाता है तो ज्यादा ठीक रहता है। एक कलश पहले से तैयार करके रख लें, धातु का हो मिट्टी का हो। यदि आप वट वृक्ष के नीचे पूजन करती हैं तो कलश रखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन घर में पूजन कर रही हैं तो मिट्टी का कलश ले लीजिए, सिक्का सुपारी डाल लीजिए, आम का पल्लव लगा लीजिए, बस कलश आपका तैयार हो गया। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले आप दीपक पहले प्रज्वलित कर ले, भूले नहीं। आप लोग भी इसमें दीपक प्रज्वलित करते हैं या फिर किसी भी तरह से, मतलब जो भी पूजा आप करें सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद उस स्थान की जो सफाई शुद्धिकरण होती है कर लीजिए। उसके बाद कलावे से घर पे पूजन कर रहे हैं तो वो भी थी मैं बता रही हूँ, गौरी गणेश का आप निर्माण कर लें। कलावे से हल्दी से या फिर सुपारी से एक गौरी जी बना लीजिए और एक ठो गणेश जी बना लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि उनको एक स्थान पे विराजित कर लीजिए, कोई पाटा रख लीजिए या फिर कुछ नहीं है तो एक बड़ का पत्ता ही तोड़कर उसी पे गौरी गणेश को विराजित कर लीजिए। अब चलिए हम भगवान जी का आह्वान करते हैं जिनका हम पूजन करने वाले हैं। सर्वप्रथम गौरी गणेश का, सावित्री सत्यवान का, साथ साथ जो है वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, तो आज उनका आवाहन करेंगे। आवाहन मतलब बुलाना होता है। पहले देवता को अपने यहाँ बुलाएंगे, उसके बाद पूजा प्रारंभ करेंगे। पूजा प्रारंभ करने में जैसा कि आप जानते हैं सर्वप्रथम देवता को स्नान कराया जाता है, तो स्नान गौरी गणेश को कराएंगे, कलश के ऊपर भी जल छिड़केंगे। उसके बाद वट वृक्ष को हम एक लोटा जल से सींचेंगे। तो ये बड़ा पेड़ है या फिर छोटा पेड़ है, मंदिर में कर रहे हैं मतलब वट वृक्ष के पास कर रहे हैं या गमले में कर रहे हैं, तो ये सारे काम आपको करना जरूरी है। बस एक चीज जान लीजिए कि यदि आप घर में पूजन कर रहे हैं तो आपको एक काम नहीं करना है कि आप जैसे कि घर में पूजन कर रहे हैं तो गौरी गणेश वगैरह रखना अनिवार्य है और मंदिर में कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं करना है। तो बस इतना सा ही आपको अंतर है कि यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो आपको गौरी गणेश नहीं रखना है, कलश नहीं रखना है, और यदि आप घर में कर रहे हैं तो इसके बिना आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि जब आप बाहर करेंगे तो कोई पुराना वृक्ष होगा और उसमें आप आराम से अपनी पूजा कर सकते हैं। लेकिन घर में करेंगे तो हमें आवाहन करना होगा, क्योंकि वृक्ष भी छोटा है और घर के पूजा का नियम अलग होता है। तो आप वृक्ष में भी जल चढ़ाइए, एक लोटा जल ये अनिवार्य है, इसलिए बार बार इस बात को आपको बता रही हूँ। दीपक प्रज्वलित हो चुका, गौरी गणेश आपके हो चुके, देवता का आह्वान आप कर चुके, उसके बाद हल्दी कुमकुम और अक्षत से गणेश जी गौरी जी और वट वृक्ष का पूजन करिए। कहीं कहीं पे ऐपन का प्रयोग होता है। ऐपन मतलब कि आटे में, चावल के आटे में या फिर गेहूं के आटे में थोड़ा सा हल्दी डाल करके वट वृक्ष को, गौरी गणेश को, कलश को इससे मतलब एक टीका किया जाता है। तो आप हल्दी से भी वो काम कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी सामग्रियों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो आप हल्दी और कुमकुम से भी सारी पत्तियों में तिलक कर सकते हैं, कलश पे तिलक कर सकते हैं, गौरी गणेश को तिलक कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप अवश्य कर लीजिए। वट वृक्ष के लिए चाहे आप घर में पूजन कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, एक छोटा सा कपड़ा
आप ब्लाउज का छोटा कपड़ा भी ले सकते हैं। आप कुछ नहीं है तो मौली धागा भी तोड़ करके आप बट वृक्ष को वस्त्र के स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। लेकिन आज बट वृक्ष में तीनों देवों के वास के साथ साथ सावित्री और सत्यवान की पूजा होती है, तो आज एक कपड़ा एक वस्त्र जरूर बट वृक्ष को समर्पित करें। गौरी गणेश को भी छोटे छोटे कलावा तोड़ करके समर्पित करें। इत्र वगैरह जो भी पूजा की सामग्रियां ले गए हैं तो थोड़ा थोड़ा चढ़ा दीजिए। बस बार बार कह रही हूँ कि बाहर पूजा कर रहे हैं तो गौरी गणेश की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है, कलश भी रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कलश रखना चाहे तो रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन होता यह है कि भीड़ इतनी है तो आप वहां कलश रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए सामान्य जो पूजा बता रही हूँ, जो जो नहीं करना है बाहर वो भी मैं आपको बता रही हूँ। सिंदूर से आज गौरी गणेश को बट वृक्ष को तिलक करिए और उसके बाद आप पांच बार अपनी मांग वहीं बट वृक्ष के नीचे, चाहे घर में चाहे बट वृक्ष के नीचे, आप अपनी मांग अवश्य भरे। कहीं कई स्थानों पे अलग अलग लोग जो है मांग भरती हैं, यानी कि पांच सुहागिनें एक व्यक्ति की मांग भरती है, फिर वो पांच लोगों की भरती है। तो ऐसे जो भी अपने यहाँ की परंपरा हो वो देख लीजिए और उसी के अनुसार काम करिए। सुहाग सामग्रियों में देखिए जितनी सामग्रियां चाहे चढ़ा सकती हैं, लेकिन इसमें से कुछ सामग्रियां आप खुद के लिए रखेंगी और कुछ दान कर देंगी। दान में आप ब्राह्मण को कर सकते हैं, जरूरतमंद को कर सकते हैं, अपने किसी सास ननद या फिर कोई भी जो भी जिसको लगे कि आप दान दे सकती हैं वो दे दीजिए। लेकिन सर्वप्रथम आपको बट वृक्ष में ये सारी चीजें समर्पित करनी है। अब मैं गमले में कर रही हूं तो गमले में ही सारी चीजें सजा दूंगी, समर्पित कर दूंगी। और ये चीज यदि आप मंदिर में कर रही हैं यानी बट वृक्ष के नीचे कर रही हैं तो आप उस बर्तन का स्पर्श भी बट वृक्ष से करा दीजिए, तो सारी चीजें आपकी चढ़ी हुई मानी जाएंगी। तो इस तरह से कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है, वट सावित्री की पूजा में आपको पूरी तरीके से जो है तैयार तो होना ही होना है, साथ साथ कुछ प्रसाद आपको ऐसा चढ़ाना है जिसके कि आप पूरे परिवार के साथ साथ पति को भी जरूर ग्रहण कराएं। तो हर चीज का अपना अपना नियम होता है, जिसमें विशेष भींगे चने जरूर चढ़ाए जाते हैं। तो भींगे चने का आज अच्छा स्वरूप भी भगवान को समर्पित करते हैं। भींगे चने बट वृक्ष को, गौरी जी, गणेश जी को, सावित्री सत्यवान जी को चढ़ते हैं। भींगे चने हाथ में लेकर के वट सावित्री व्रत की कथा भी सुनी जाती है या फिर पढ़ी जाती है। किताब है तो आप बट वृक्ष के नीचे बैठकर पढ़ लीजिए, घर पे पढ़ लीजिए, कोई सुनाने वाला है तो सुन भी सकते हैं कथा। और आज जो है देखिए अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रसाद बनता है, तो जो भी आपके यहाँ प्रसाद बनता हो, यदि आप नहीं बना सकते उतना सुबह, तो बाजार से कोई भी मिठाई ला करके जो कि साफ शुद्ध हो आप चढ़ा सकते हैं। कोई फल लाकर आप चढ़ा सकते हैं, एक फल, पांच फल, जो भी ठीक लगे आपको, जितना आप कर सकें, तो ये फल वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। कुछ उसके बाद एक जनेऊ होता है जो कि बट वृक्ष पे अवश्य अवश्य समर्पित करना होता है, तो एक जनेऊ आप लोग जरूर रखिएगा। कहा जाता है कि बट वृक्ष के नीचे ही माता सावित्री ने अपने पति को पुनर्जीवित किया था, तो ये बहुत जरूरी है कि हम भी बट वृक्ष की पूरी साधना आराधना करें। ऐसा नहीं है कि पति के प्राणों का संकट, पति के जीवन में भी परेशानियां, संकट जो चल रहे हैं वो दूर हों, इसके लिए हमें सावित्री सत्यवान के साथ साथ बट वृक्ष से प्रार्थना करनी है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिये। अब जो आप धागा लाए हैं जिससे आप फेरी लगाएंगे, देखिये फेरी से पहले आप हाथ में चने ले लें। अलग अलग स्थानों का अलग नियम होता है, ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, जो भी व्यवस्था आपको लगे वो ले लीजिए। उसके बाद आप इन चनों को एक एक करके चढ़ाते रह जाएंगे। फेरी का सामान्य नियम है हल्दी थोड़ा सा लेकर के, जो भी कलावा है, सूती धागा है, जो भी है, थोड़ा सा उस पर हल्दी लगा लीजिए और तब आप अपनी परिक्रमा स्टार्ट कीजिए। परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए धागे को वृक्ष में ही फंसा दिया जाता है तो कभी भी बाधा नहीं जाता है, लेकिन उससे पहले आप बट वृक्ष को पंखे से हवा जरूर करिए। ये बहुत जरूरी नियम है, बहुत जरूरी विधि है, तो ये कर लीजिए। वैसे तो पंखे दो चाहिए, एक दान करने के लिए, एक खुद रखने के लिए, जिससे कि आप पति को हवा वगैरह करेंगे। लेकिन आपको रखना है कि बट वृक्ष की पूजा में जो सूत आपको लेना है वो सूत थोड़ा सा ये लीजिएगा कि बीच में परिक्रमा करते टाइम टूटे नहीं। सूत से परिक्रमा जो है पांच कर सकती हैं, 11 कर सकती हैं, 21 कर सकती हैं। 108 यदि कच्चे सूत से परिक्रमा करेंगी तो बीच में दिक्कत हो सकती है, किसी के धागे से आपका धागा कट सकता है, जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। तो परिक्रमा धागे से उतनी करें जितनी आप कर सकती हैं, 5, 11, 21 करके, उसके बाद धागे को उसी बट वृक्ष में लगा करके फंसा करके छोड़ दीजिए। बाकी परिक्रमा आप हाथों में चने लेकर के, मूंगफली लेकर के या फिर जो भी हो आप लेकर के और कर लीजिएगा। अब चलिए हमारी पूजा जो है समाप्त हो चुकी, कथा हमने सुन लिया, परिक्रमा हमने कर ली। अब जो भी बड़े दिखाई दे रहे हैं वृक्ष के पास या फिर घर में, आप उनका पैर छू लीजिए। अखंड सौभाग्यवती होने का आप उनसे आशीर्वाद मांगिए, अपने सिर पे कहिए, हाथ रख करके वो आपको आशीर्वाद दे। तो ऐसा आपको कर लेना है।
उसके बाद घर आकर के पति को सामान्यतया जो पूजन होता है, पति को जो रोली तिलक आपने वहां किया है सब उनसे पति को तिलक करिए, उनको प्रसाद खिलाइए, उनके चरण स्पर्श करिए। उसके बाद आपको करना यह है कि पति को उसी पंखे से हवा जरूर करनी है। पति यदि वर्तमान में मतलब कि अभी आपके पास नहीं है तो आप ये सामग्रियां रख सकती हैं। जैसे कि सामग्रियों में देखिए प्रसाद तो आप रख नहीं सकती हैं क्योंकि चने भी सारी चीजें गीली हैं, तो अच्छा यही होगा कि आप कुछ मीठी चीज चढ़ा करके जैसे कि बतासे वगैरह चढ़ा करके आप रख लें। और लंबे समय अगर आपको रखना है तो आप कुछ सूखे फल चढ़ा करके जैसे कि बादाम किशमिश कुछ भी चढ़ा करके आप ये रख सकती हैं। और जब भी आप पति के पास जाएं ये प्रसाद जरूर उनको ग्रहण कराएं या फिर आपके पास आते हैं तो ग्रहण कराएं। बाकी श्रृंगार सामग्रियों का मैंने बताया, आप कुछ अपने लिए जरूर निकाल लीजिएगा। तो इस तरह करके वट सावित्री व्रत का पूजन पूर्ण हुआ। धन्यवाद।